हेलो एवरीवन। और अभी ये शाम का टाइम है रात में, और ये लौकी के कोफ्ते के बॉल्स तैयार हुए हैं जिसे मैं पहले हम लोग खाएंगे इसे, क्योंकि काफ़ी भूख लगी थी। उसके बाद से ग्रेवी बना के इसमें डाला है, मतलब लौकी के कोफ्ते बनाए हैं। और बेटी मेरी खाती नहीं है मिर्ची, तो वो सिर्फ जूस खा रही है उसका। और यहाँ देखिए तैयार हो चुका खाना, ला के रख दिया और पापा को भी अपने दे दिया है, आगे वाले कमरे में खा रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए। और रात के 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं। काफ़ी अच्छा उसने बनाया था, बहुत ही अच्छा। और क्योंकि बहुत ही मेहनत करती है वो लड़की, रोज़ रात में खाना वही बनाती है। और फिर ये दूसरे दिन का वीडियो है, दूसरे दिन शाम को यहाँ मैंने पार्वती रसोई से बिस्किट सीख के बनाने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने कहा चलो, वो उन्होंने आटे के बिस्किट बनाए हुए हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने, मतलब मेरे पास मैदा था तो मैंने मैदा डाल दिया है। और काफ़ी अच्छा ये, जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी उसके पहले मैं खा चुकी थी, तो काफ़ी अच्छा वो, काफ़ी टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छा। और ये चीनी का घोल तैयार कर लिया था, चीनी को पहले पका लिया था तो उसे डाल रही हूँ। और चीनी मैंने बहुत ही कम मात्रा में डाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे शुगर के, जो शुगर गेस्ट आते हैं तो उनके लिए मैं बना रही थी। अगर आपको जानना है इसका मेजरमेंट, इसमें क्या क्या पड़ा है और कैसे बनाया है मैंने, तो आप पार्वती रसोई को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाती हैं वो, और कुकिंग तो लाजवाब करती हैं। तो आप जाके देखिए उनके चैनल को, तो बहुत ही, मतलब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और आपको लगेगा कि एक रेसिपी देखने के बाद से आपको लगेगा कि ज़रूर मैं एक बार ट्राई करूँ इसे। तो डेफिनेटली आप जाके देखिएगा। और ये मेरा डो तैयार हो गया है, अब मैं इसे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। फिर मैंने रख दिया था और मैं तैयार नहीं कर पाई थी, जैसे कि रात में मैं बना नहीं पाई थी उस बिस्किट को, क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे। तो फिर चाय पानी के वो, उसके बाद से वो जाते जाते वो 9 बज गया उनको, फिर वो चले गए, तब मैं खाना बनाई। तो फिर वो वीडियो मैंने बनाया नहीं। और ये दूसरे दिन मॉर्निंग का है, तो यहाँ मैं खाना बना ली थी, और आटे को जो मुझे बिस्किट बनाना था उसे मैं बाहर निकाल के रख दिया है मैंने, ताकि वो थोड़ा सेट हो जाए। वो जैसे कि बहुत ठंडा होने के बाद, फ्रिज में रखने के बाद से वो कठोर हो जाता है, बाहर रखिए तो सेट हो जाएगा वो जितना आपको चाहिए। और ये हो चुका है मेरा, और मैं बना चुकी हूँ, बाहर बैठ के मैंने बनाया था। अब मैं अंदर ला के इधर कढ़ाई रखी हूँ और ये बना रही थी, उसको सेप दे रही थी। तो ये बहुत ही, ना मेरा बहुत ही मोटा है ना बहुत पतला है, और बहुत ही अच्छे सेप में है। तो अचानक मुझे याद आया कि मैं इस पर डिज़ाइन बना लेती हूँ, क्योंकि जो डिज़ाइन बनाने वाला मेरा था उस पर रंग लग चुका था। तो उसे काफ़ी मैंने कोशिश की कि साफ़ हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। फिर मैंने उसे छोड़ दिया, और मैं इस पर ये जो चाय अदरक घिसते हैं चाय पे, उसके ऊपर डिज़ाइन रख के मैं बना रही थी। तो दोनों तरफ से डिज़ाइन काफ़ी, एक भी अचानक मुझे याद आया कि एक तरफ सादा हो जा रहा है, एक तरफ वो हो जा रहा है। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से बन गया है। अब दूसरी बार मैं इसे फोक से डालूँगी, ताकि दूसरे तरफ भी वो डिज़ाइन आ जाए। और पहली बारी का मैं तल रही थी, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी बनाए ये, बहुत ही, मतलब मुझे भी पहली बार मैंने बनाया इसे, और उनके चैनल को देखते हुए। तो आपको अगर सीखना हो कैसे ये मैंने बनाया है, तो आप पार्वती रसोई को जाके देखिए। और पहली बारी का मैंने मिस्टी को दिया था कि बेटा खा लो। तो और ये देखिए, ये फोक से मैंने दूसरी तरफ से कर दिया है। और ये बिस्किट आप डेफिनेटली बनाइएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आप खा लीजिए ये बिस्किट, कम चीनी वाले बिस्किट है जो। थैंक यू।